हमारे गरिमा या हमारी प्रतिष्ठा जब आहत होती है उस समय चूंकि आप संसद ही नहीं देश के सभी विधायिका के अभिरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं, तो हम लोग तो आपसे अर्ज करेंगे कि आप पिछले कुछ ही दिनों में देखें कैसी कैसी टिप्पणियां हमारे कार्यशैली पर कर दी जाती है। कभी कह दी जाती है जो विधायिका कानून बना देती है लेकिन कानून के अनुपालन या उसमें आने वाली दिक्कतों की समीक्षा नहीं करती है। अगर हम समीक्षा नहीं करते हैं अपने कानूनों की तो संशोधन विधेयक कैसे आते हैं, कानून में संशोधन कैसे होते हैं। हमने विधायिका ही संविधान में भी संशोधन हमने किया है। अभी माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने देखा कि संविधान की पुस्तक बड़े आकार की हम लोगों की दी है। आखिर संविधान क्या है, यह भी भारतीय प्रजातंत्र के पवित्रतम कानूनों का संग्रह ही है, उसमें भी परिवर्तन होता है। और आखिर हम जब समीक्षा करते हैं वर्तमान कानूनों की तभी तो उसमें संशोधन या परिवर्तन करते हैं, तो इस तरह के आक्षेप लगा दिए जाते हैं। कभी कह दिया जाता है कि हड़बड़ी में विधेयक बन जाते हैं और इसको कोई ठीक से देखता समझता नहीं है। अरे भाई, हम लोगों के यहाँ तो हम लोगों ने उदाहरण मिसाल पेश की है कि शराबबंदी जैसे उदाहरण दे दिया गया शराबबंदी कानून का। हमारे संविधान में लिखा है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे कि सरकार राज्य में कोई भी मद्य सेवन या जो पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसका प्रतिषेध करेगी। गांधी जी नशा मुक्त समाज चाहते थे और बिहार की विधायिका ने इसमें एकजुट होकर, महोदय मैं उस समय अध्यक्ष था, उस समय का माहौल विधानसभा का देखने लायक था, लेकिन उसके बारे में ढीली टिप्पणी कर दी गई कि भाई इसको बिना सोच के बना दिया गया। तो ये महोदय हम लोगों के क्रियाकलाप पर इस तरह की उंगलियां उठती हैं तो उसके तो अभिरक्षक आप ही हैं। और हम समझते हैं कि पूरे देश की विधायिका इस माने में आपके साथ आपके पीछे खड़ी रहेगी। हम प्रतिकार भले नहीं करें लेकिन एक उफ तो कर सकते हैं, आवाज तो दे सकते हैं कि हमें पीड़ा हो रही है, हमें आघात पहुंच रहा है, क्योंकि हमें इस तरह से मैंने जो पंचिंग बॉल कहते हैं वो विधायिका को नहीं समझना चाहिए। आखिर इसी विधायिका ने ही संविधान सभा का रूप लेकर संविधान बनाया है, इसलिए हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि थोड़ी संवेदनशीलता, चूंकि आप पूरे देश के विधायिका के अभिरक्षक हैं, आप दिखाएंगे तो निश्चित रूप से विधायिका की मर्यादा और गरिमा बचेगी। और अंत में फिर से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए और माननीय अध्यक्ष लोकसभा के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।